नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। झारखंड में 217 आयुष डॉक्टर को नियुक्ति पत्र। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर करने की दिशा में हमारी सरकार निरंतर आगे बढ़ रही है। झारखंड में यूनानी, आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक चिकित्सा प्रक्षेत्र में पढ़ाई सुनिश्चित हो, इसके लिए राज्य सरकार कटिबद्ध है। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को भी आयुष चिकित्सा पद्धति का लाभ मिल सके, इसके लिए 217 आयुष प्रक्षेत्र के डॉक्टर को अनुबंध आधारित नियुक्ति पत्र मिला है। सीएम ने कहा है कि इन्हें सैलरी के अलावा हर महीने 15,000 इंसेंटिव दिया जाएगा। बता दें, मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं समझता हूँ कि यूनानी, आयुर्वेदिक एवं होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जब आधुनिक तकनीकी चिकित्सा पद्धति की परिकल्पना नहीं हुई थी, तब से यह पद्धति चली आ रही है। मौसम केंद्र ने पूर्वानुमान किया है कि 25 अगस्त तक पूरे राज्य में हल्के से मध्य दर्जे की बारिश होगी। इसको लेकर मौसम केंद्र ने येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान कहीं कहीं वज्रपात भी हो सकता है। वहीं 26 से 28 अगस्त तक मौसम में कोई विशेष बदलाव नहीं होगा। इधर कोल्हान और मध्य जिलों में रहने वाले लोगों को रविवार को बारिश से राहत मिली। निम्न दबाव का क्षेत्र जो झारखंड के ऊपर केंद्रित था, वह अब छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की ओर चला गया है। रविवार को भी राजधानी में हल्की बारिश हुई। वहीं जमशेदपुर में करीब 29 मिलीमीटर के आसपास बारिश हुई है। सुखाड़ रिपोर्ट की समीक्षा में जुटे कृषि मंत्री। कृषि मंत्री बादल सुखाड़ की रिपोर्ट पर लगातार समीक्षा कर रहे हैं। आपदा प्रबंधन विभाग के साथ संभावित बैठक के एजेंडे पर विचार विमर्श किया जा रहा है। कृषि मंत्री का कहना है कि राज्य सरकार सुखाड़ प्रभावित जिलों में अपनी ओर से किसानों को फसल राहत योजना के तहत सहायता देगी। सुखाड़ की घोषणा होगी तो जो केंद्रीय सहायता का प्रावधान है उसके तहत सहायता मिलेगी। कृषि विभाग ने हर जिला के निबंधित किसानों से फसल राहत योजना के अंतर्गत आवेदन आमंत्रित किया है। साथ ही इन किसानों का निबंधन भी कराया जा रहा है। 29 अगस्त तक 9,22,000 किसानों का निबंधन हो चुका है। इन 3 दिनों में यह संख्या बढ़कर लगभग 10 लाख के आसपास पहुँच गया है। 18 अगस्त तक कृषि विभाग के पास 3,27,000 आवेदन मिल चुके हैं। झारखंड में 1615 गांव में शुरू होगी BSNL की 4G सेवा। भारत संचार निगम लिमिटेड झारखंड के 1615 गांव में 4G की सेवा शुरू करेगी। 4G सेवा के लिए चिन्हित जिलों में सबसे ज़्यादा 279 गांव पूर्वी सिंहभूम के हैं, जबकि धनबाद और जामताड़ा जिले के एक गाँव को चिन्हित किया गया है। बता दें, रांची जिले में BSNL की 4G सेवा के लिए 6 गांवों को चिन्हित किया गया है। रांची जिले के जिन गांवों में BSNL की 4G सेवा की सुविधा दी जानी है उनमें तमाड़ स्थित जारगो, तालाडी, बुरीहातू, बांकी, फुरसुडी एवं नगड़ी का गुटुआ गांव शामिल है। इन ग्रामीण क्षेत्रों में 4G मोबाइल सेवा मिलने से यहाँ के लोगों के लिए कई जरूरी काम आसान हो जाएंगे। कोरोना से मृत 69 व्यक्तियों के आश्रितों को मिलेगा मुआवजा। रांची के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक आयोजित की गई। समाहरणालय ब्लॉक ए स्थित उपायुक्त सभागार में आयोजित बैठक में अपर समाहर्ता राजेश बरवार सहित अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे। बैठक में COVID-19 के कारण मृत व्यक्तियों के परिजनों या आश्रितों को अनुदान सहायता देने के लिए प्राप्त अभिलेखों की समीक्षा की गई। इसमें 69 परिजनों या आश्रितों को अनुदान देने का निर्णय लिया गया। आपको बता दें कि कोरोना से मृत व्यक्तियों के परिजनों आश्रितों को राज्य आपदा निधि मोचन से 50,000 रुपये प्रति मृतक मुआवजा भुगतान का निर्देश है। रांची में प्राइवेट स्कूल के तर्ज पर सरकारी स्कूलों में होगी PTM। रांची जिले के सभी सरकारी विद्यालयों में अभिभावक शिक्षक बैठक PTM का आयोजन किया जाएगा। इस संबंध में रांची के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने जिले के सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचल अधिकारियों को पत्र जारी कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। 24 व 25 अगस्त को PTM विभिन्न प्रखंडों में होगी। इसमें स्थानीय जनप्रतिनिधि की भागीदारी सुनिश्चित करने को लेकर BDO को निर्देश दिया गया है। बता दें, रांची के सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों के माता पिता एवं अभिभावक को बच्चों के शिक्षा से जोड़ने, उन्हें संवेदनशील बनाने एवं लर्निंग गैप को कम करने को लेकर अभिभावक शिक्षक बैठक PTM का आयोजन किया जा रहा है। 2 दिन इस बैठक का आयोजन किया जाएगा।
झारखंड में 3000 कॉलेज शिक्षकों की होगी नियुक्ति। झारखंड के विभिन्न विश्वविद्यालयों के कॉलेजों में इसी साल लगभग 3000 कॉलेज शिक्षकों की नियुक्ति होगी। झारखंड विधानसभा से इसे मानसून सत्र में पारित झारखंड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक 2022 पर राज्यपाल रमेश बैस की स्वीकृति मिलते ही नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग नियुक्ति से संबंधित अन्य प्रक्रिया पूरी करने में जुटा है। इस संशोधन विधेयक के अनुसार कॉलेज शिक्षकों की नियुक्ति के लिए झारखंड पात्रता परीक्षा, राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा, जूनियर रिसर्च फेलो तथा पीएचडी में से किसी एक में उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। हेमंत सोरेन के भाई की विधायकी जाएगी या रहेगी 29 को सुनवाई। भारत निर्वाचन आयोग ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के छोटे भाई और झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक बसंत सोरेन से जुड़ी खनन लीज मामले में अब 29 अगस्त को सुनवाई की तिथि निर्धारित की है। आयोग में बसंत सोरेन के मामले में सोमवार 22 अगस्त को सुनवाई की तिथि निर्धारित थी, लेकिन अब भारत निर्वाचन आयोग ने बसंत सोरेन पर खनन लीज से संबंधित मामले की सुनवाई की तिथि 29 अगस्त को सुनिश्चित कर दी है। इससे पहले चुनाव आयोग ने सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ खनन लीज मामले में 18 अगस्त को ही सुनवाई पूरी कर ली है और फैसला सुरक्षित रख लिया है। सिमडेगा में 27 से 29 अगस्त तक राज्य स्तरीय हॉकी प्रतियोगिता। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर झारखंड के सिमडेगा में हॉकी झारखंड, टाटा स्टील, जिला प्रशासन सिमडेगा और हॉकी सिमडेगा के द्वारा 27 से 29 अगस्त तक 5वीं सीनियर झारखंड राज्य स्तरीय महिला एवं पुरुष हॉकी चैंपियनशिप 2022 का आयोजन किया जाएगा। इसकी तैयारियों का जायजा लेने के लिए हॉकी झारखंड के महासचिव विजय शंकर सिंह और टाटा स्टील के अधिकारी शिखर सेन, नवल टाटा हॉकी अकादमी जमशेदपुर के सहायक खेल प्रशासक चंद्रयानी मजूमदार सोमवार को सिमडेगा पहुँचे। स्वतंत्रता सेनानियों के लिए 18 जिलों में 58 लाख आवंटित। राज्य के स्वतंत्रता सेनानियों व उनके आश्रितों को विशेष भत्ता, चिकित्सा भत्ता के भुगतान के लिए 18 जिलों को 58 लाख रुपए आवंटित किए गए हैं। इससे संबंधित आदेश गृह विभाग ने जारी कर दिया है। उक्त राशि की निकासी जिला कोषागार से होगी। राशि का भुगतान डीसी द्वारा उचित पहचान के आधार पर किया जाएगा। भुगतान डीबीटी के माध्यम से किया जाएगा। धन्यवाद।